नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। थोड़ी देर पहले हमने 18/6/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा था UP SSSC का। अब सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे जिसमें कुल मिला के 75 प्रश्न हैं UP GK और हिंदी के। इस वीडियो का लक्ष्य है 1000 लाइक्स का। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहजहां। किस डेटा बुक में भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? तो सही जवाब है रेड डाटा बुक। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? बाहरी निषेचन यानी कि बाहरी फर्टिलाइजेशन। सही जवाब है ऑप्शन सी, मेंढक। अगला प्रश्न है, मानवों में आवाज किस के द्वारा उत्पादित होती है? निम्न विकल्पों में से कंठ, श्वास नली, फेफड़ा, मुंह। पांचवे का सही जवाब है ऑप्शन ए, कंठ, जिसको कि इंग्लिश में लैरिंग्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ये प्रश्न ज़्यादा कॉमन है दोस्तों, इसी को क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लिया जाता है कि रेगड़ मिट्टी किसे कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी होती है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, महाराष्ट्र और गुजरात में अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये तमाम क्वेश्चन का एक ही आंसर है, वो है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, रेगड़ मिट्टी भी इसी का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसका उदाहरण नहीं है? सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गाय। ये प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया, सही जवाब है उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? कई प्रकार के कोयले होते हैं हम जानते हैं, जिसमें कि सबसे सर्वोच्च उच्चतम गुणवत्ता कोटि का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें कि 90% कार्बन का अंश होता है, और लिग्नाइट के फेमस खान जो है वो तमिलनाडु में है, और ये निम्न प्रकार का कोयला होता है। पीट सबसे निम्न प्रकार का जो है कोयला होता है, इसमें कार्बन अंश बहुत कम होता है। ठीक है, भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का है। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? दसवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीका। चीका एक ऐसा पंजाबी वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद आर्किटेक्चर को वर्ष 2018 का प्रतिचकर आर्किटेक्चर, ध्यान दीजिएगा आर्किटेक्चर का नोबल पुरस्कार कहा जाता है इसको, प्रतिचकर पुरस्कार को। ठीक है, और ये इस साल का करंट का क्वेश्चन पूछा गया 18/6/2018 की सेकंड शिफ्ट में कि आर्किटेक्चर का नोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो पहली बार किसी भारतीय को प्रदान किया गया है और उनका नाम है श्री बाल कृष्ण दोषी, और ये मैंने अपने करंट अफेयर में कराया था। अप्रैल 2018 का करंट है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो 12वें प्रश्न का सही जवाब है गंगा हरितिमा, ऑप्शन बी। ये प्रश्न पूछा गया, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। एक और प्रश्न मार्च से पूछा गया है, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो सही जवाब है 13वें का ऑप्शन ए, आंग सान सू की, और ये म्यांमार की नेता हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश में किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब है 14वें का ऑप्शन ए, पूनम यादव। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 15वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को।
अप्रैल का करंट पूछा गया प्रश्न। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए? तो सही जवाब है सोलवे का ऑप्शन ए, HDFC बैंक। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? 17वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फिलीपींस। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर से। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतो के रचयिता कौन है? सही जवाब है नरसिंह मेहता। 18वें का ऑप्शन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुषिरता से प्रभावित होता है? 19वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, हड्डियां। ऑस्टियो मलेशिया नाम की भी एक बीमारी होती है, वो भी हड्डियों से रिलेटेड होती है और वो होती है विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस भी लगभग विटामिन डी की कमी से ही होती है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफिरोल है, सूरज की रोशनी में होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सूरज की रोशनी में अधिक से अधिक बैठना चाहिए, खास तौर पे सर्दियों की। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? 20वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था जिसने अपने पिता को ही मार दिया था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, योगक्षेम वाहमयम किसका आदर्श वाक्य है? 21वें का सही जवाब है LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम का ये आदर्श वाक्य है। ये प्रश्न पूछा गया, एक बेसिक क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू यानी कि खाड़ी अलग करता है? भारत और श्रीलंका को, तो सही जवाब है 22वें का ऑप्शन डी, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू मध्य। वर्ष 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया था? तो ये क्वेश्चन तो सभी जानते होंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। कमेंट करके बताइएगा कितने डॉलर या पौंड में जो है दिया था। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? सभी जानते हैं इस प्रश्न को, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने एक मिशन चालू किया था, रामकृष्ण परमहंस मिशन 1897 में, और शिकागो में जो इन्होंने भाषण दिया था वो दिया था 1893 में। कई बार वर्ष काल भी पूछ लेता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन UP SSC में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद, सी विकल्प होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? 26वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, मधुशाला। 27वां प्रश्न, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? 27वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया गेट। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? 28वें का सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? 29वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, टिम बर्न्स ली। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? सही जवाब है बिठूर, बिठूर में है फिलहाल, बिठूर एक जगह का नाम है, जनपद नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है, चंदबरदाई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? 32वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के झांसी में। और इससे
अलग एक प्रश्न ये भी बनता है कि मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो है किस राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, तो मध्य प्रदेश सरकार का। भारत उत्तर प्रदेश का कौन सा है, भारत भारती। मथुरा कला विद्यालय रिक्त स्थान काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला, गांधार कला, कुछ याद आया? 33वें प्रश्न का सही जवाब है कुषाण। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए सेकंड शिफ्ट में। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी के ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थल में स्थित है? सही जवाब है 34वें का ऑप्शन पी, कानपुर। कानपुर, भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सही जवाब है रानी अहिल्याबाई। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 36वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1975। फरुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह द्वारा कराया गया था? 37वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, औरंगजेब। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन डी, सेरा। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी शुरू होती है यहाँ से, प्रश्न संख्या 39 से। बहुत दिनों बाद दिखना इस अर्थ के लिए मुहावरा है। सी, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है ईद का चांद होना। ऑप्शन सी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लकोंकती का अर्थ सभी जानते हैं, कहीं ठोर ठिकाना ना होना। अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें विकल्पों में से? सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ अनेकों के स्थान पर अनेक आएगा। कृष्णा जी के अनेक नाम है, ना कि अनेकों। सद्भावना शब्द में समास कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मधारय। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन डी, उत्साह। अगला प्रश्न देखते हैं। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा धीर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चौपाई। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अब चला जाए। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? 47वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्धरण चिन्ह। वह काम नहीं करता वाक्य में अवयव पद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नहीं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? 49 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वृष्टि। श से सलगम वाले का श जो है यहाँ पे है, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? 50वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? श का उच्चारण स्थान ऑप्शन बी, तालु। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मातृभूमि। संज्ञा का भेद नहीं होता। सही जवाब है ऑप्शन सी, निजवाचक। निजवाचक, संज्ञा के कुल भेद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है वचन, ऑप्शन ए। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है इन विकल्पों में से? सी, दर्शन। आगे बढ़ते हैं। हरी मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? सही जवाब है सर्वनाम।
वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? ऑप्शन डी विशेषण धार्मिक। तद्भव शब्द छांटिए। सही जवाब है कपूर, ऑप्शन ए। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है और ये पूछा गया, ऑप्शन बी सर्वज्ञ। उत्थान शब्द का विलोम पतन होता है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है ऑप्शन डी सुधाकर। ठीक है, सुधाकर चंद्रमा के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, ऑप्शन डी जलज, जलद कमल समुद्र। ठीक है, जलज कमल, और जलद जो है समुद्र के साथ नहीं आएगा, वो आएगा बादल के साथ। 62वें का डी पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता, ऑप्शन डी लेख। 63वें का सही जवाब है पत्र शब्द का अर्थ लेख नहीं होता। सदैव शब्द में संधि कौन सी है? सदैव। सही जवाब है ऑप्शन सी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है सदैव में। 65वें प्रश्न में प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रति। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक इक प्रत्यय लगा है, छोटी ई की मात्रा वाला इक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो है गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे गए, तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न आते होंगे 71 तक। ठीक है, आप सही कर लेंगे। 72वां प्रश्न क्या पूछा है? अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 72वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कितनी नाओं में कितनी बार। ये प्रश्न पूछा गया। उर्वशी के रचनाकार कौन है? ये पूछा गया। सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन बी। गोदान किसकी रचना है? सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो सही जवाब है यामा। ठीक है, उनकी जो कृति है यामा, उनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने सेकंड शिफ्ट के कुल 75 बेहतरीन प्रश्न देखे, और ये जो पेपर था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न पत्र कुछ 22 और 23 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।